है जहां सिलवासा में 8 फीट गहरे गड्ढे में स्कूटी सवार गिर गया। बीच सड़क पर गड्ढा खोदा गया था जिसके चलते हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया है। बिजली का पोल खड़ा करने के लिए गड्ढा खोदा गया था और ये गड्ढा किसी के लिए जानलेवा साबित हो गया। यहां आप देखिए, बिजली विभाग ने गड्ढा खोदने के बाद वहां कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया था जिसके चलते रात के अंधेरे में ये जानलेवा हादसा हुआ है। स्कूटी के साथ एक शख्स गिर गया। ये दादर नगर हवेली की तस्वीर जहां पर सिलवासा में 8 फीट का गड्ढा खोदा गया था। बिजली का खंभा लगाना था लेकिन साइन बोर्ड लगाना भूल गए। ये बड़ी लापरवाही और इस लापरवाही से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई यहाँ तो जान बच गई लेकिन जरा सोचिए 8 फीट गहरे गड्ढे में कोई गिरे तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। बारिश लगातार हो रही है, गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है और ऐसे में ये स्कूटी सवार इसके अंदर गिर जाता है। बाद में लोग इसे निकाल लेते हैं जो कि सबसे राहत की बात है। कुछ मामूली हल्की फुल्की चोटें आई हैं लेकिन अगर लापरवाही इसी तरह से बढ़ती जाती रही तो ये आगे जानलेवा साबित हो सकती है और ऐसे में जो लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगे आ रही है।